एक बार फिर से आपका आईक्यू लेवल एकेडमी के अंदर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत और यूएनओ, भारत और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत और यूएनओ। एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले जब 1919 में वर्साय की संधि हुई थी, वर्साय की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो ये अपमानजनक रही थी। और ये जब वर्साय की संधि हुई थी तो लीग ऑफ नेशन बना था, लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है, जिसको राष्ट्र संघ बोला जाता है। यहां से एक अपना आईएलओ है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पुराना है, संघ है, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है, लीग ऑफ नेशन यहाँ बना था। फिर क्या हुआ, आगे जाके ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, रोक नहीं पाया तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दूसरी संस्था बनी थी अपनी, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूएनओ अपनी दूसरी संस्था बनी थी। ये जो संस्था बनी थी ये आपकी बनी थी सैन फ्रांसिस्को, एक सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन कब हुआ था, अप्रैल 1945 को हुआ था, ठीक है, अप्रैल 1945 के अंदर फ्रांसिस्को के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, फ्रांसिस्को में। अब इस सम्मेलन के अंदर क्या हुआ था कि 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, 50 जो देश थे उन्होंने हस्ताक्षर किए, और 24 अक्टूबर को 1945 को यूएनओ का स्थापना या गठन हुआ, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब 51वां देश कौन रह गया था, 51वां देश पोलैंड था, पोलैंड जो था वो 51वां देश सिग्नेचर करने वाला था। आरपीएससी का बहुत चाहता क्वेश्चन है, पोलैंड 51वां देश था। इसका नाम किसने रखा था यूएनओ का, नाम नाम जो था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, नाम रखा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने साइन कर दिया था, 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, अपना अंतिम तौर पे इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके एक 25 जून 1945 को चार्टर बना था, इसका इसका चार्टर बना था, चार्टर बना था, वो बना था 25 जून 1945 को। भारत जो है वो इसका संस्थापक सदस्य है, भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है, संस्थापक सदस्य है, ये ध्यान रखना। भारत उस 50 देशों के अंदर शामिल था जो स्टार्टिंग में सिग्नेचर किए थे, पोलैंड है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, और ये आरपीएससी का बहुत चाहता क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, 193 देश सदस्य हैं, देश सदस्य हैं यूएनओ के अंदर, 193 देश सदस्य हैं। 193वां देश सदस्य जो है, 193 नंबर का, वो है आपका साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, दक्षिण सूडान, नॉर्थ सूडान और दक्षिण सूडान बट के अलग हुआ था, और ये जो है वो है 192वां जो है उसका मोंटेनिग्रो है, 192 नंबर पे मोंटेनिग्रो है, निग्रो इसका 192वां सदस्य है। महासभा जो है, ये जो आपका यूएनओ है इसके 6 अंग है, 6 अंग है। सबसे पहले पे आता है यूएन महासभा, यूएन महासभा को दुनिया की संसद बोला जाता है, यूएन महासभा जो है इसकी संसद बोला जाता है, इसके सदस्य जो है वो 193 जो यूएनओ का सदस्य होगा वो महासभा का सदस्य ऑटोमेटिक बन जाता है। अब बात आती है कि एक देश जो होगा हम एक ही वोट देगा, एक मत देगा, एक देश होगा, ऐसे लिखा होता है कि 5 लोग जाने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि अधिकतम 5 लोग जाएं या कुछ हो, ठीक है, खर्चा ज्यादा आता है, यूएस जाना पड़ता है, ठीक। अब इस महासभा के अंदर क्या आता है कि इसका पहला सभापति, फर्स्ट
दो ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो फर्स्ट ईयर पूछा जाएगा या वर्तमान पूछा जाएगा। तो पाल स्पूक, पाल स्पूक, पॉल स्पूक, इसका फर्स्ट था। ये बेल्जियम का था, बेल्जियम का था, ये बेल्जियम का पाल स्पूक था। अब छिंटरदोर की वार्ता समाप्त हो गई। आपको बताया कि महासभा का जो अधिवेशन होता है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। अब ये जो छिंतरवा था वो अब्दुल्ला था, मालदीप वाला, लेकिन अब जो लेटेस्ट बना दिया गया, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया, अब 77वें चक्कर के लिए, 1 साल के लिए अध्यक्ष बनेगा। 77वें चक्कर के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है वो कसावा करौली का बनाया गया है, कसावा करौली, कसावा कारोली, कारोली को बनाया गया है। ये जो कसावा कारोली है ये अपने हंगरी से हैं, ठीक है, हंगरी के हैं, कसावा कारोली हंगरी के हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। अब क्या आता है कि इसके अंदर भारत का क्या रहा, भारत का, भारत की महिला थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थे वो अपने, श्रीमती विजय लक्ष्मी जो पंडित थी वो अपनी भारत की पहली महिला थी जो यूएन महासभा की सभापति रही थी, अध्यक्ष रही थी। तो इस इन्होंने 8वें दौर की वार्ता थी, 8वें दौर की वार्ता थी, और ये बात है 1953 की, 45 में बना 53 तक 8वें दौर की वार्ता के अंदर विजय लक्ष्मी पंडित इसकी अध्यक्ष रही है। इसके अंदर 4 महिलाएं अभी तक अध्यक्ष रह चुकी है, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं जो हैं वो अभी तक इसके अंदर रह चुकी हैं। 2018 के अंदर आपको पता हो कि इसके अंदर मारिया एस्पिनोसा जो थी वो इसकी अध्यक्ष रही थी। अब दूसरा आता है यूएन महासभा, वो यूएन महासभा आपने देख ली। अब आता है इसका सुरक्षा परिषद, यूएन सुरक्षा परिषद, यूएन सुरक्षा परिषद है, इसको दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है कि ये पुलिसमैन है, कि दुनिया की जो पुलिसमैन की भांति ये काम करता है। अब ये पुलिसमैन जो है ये एक्चुअली बोला किसने था, ये डेविड कुशमैन ने नाम दिया था। ये नाम किसने दिया था, डेविड कुशमैन ने, कुशमैन ने, डेविड कुशमैन ने पुलिसमैन नाम बोला था सुरक्षा परिषद में। आपको बताइए इसके अंदर 10 अस्थायी होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और 5 स्थायी या वीटो पावर सदस्य होते हैं। अब जो अस्थायी सदस्य हैं उसके अंदर कौन कौन होंगे, यूएसए होगा, यूके होगा, चीन होगा, ठीक है, यूएसए होगा, यूके होगा, चीन होगा, फ्रांस होगा, और 5वां जो है अपना वो होगा रूस, रूस, पहले यूएसएसआर था अब रूस को लिया गया। 5वां जो सदस्य है वो रूस होगा। इसके अंदर यूएन के अंदर भाषा जो की बात आती है कि यूएन में, यूएनओ में भाषा, भाषा इसके अंदर 6 भाषाएं हैं, ठीक है, 5ों देशों की तो इनकी भाषाएं हैं, और एक अरबी जोड़ी गई है, अरबी जोड़ी गई है 1973 के अंदर अरबी को आधिकारिक भाषा दी गई। यदि भाषा आपसे पूछ ली जाए, आधिकारिक भाषा यूएनओ के अंदर 6 आती है, अंग्रेजी आती है, ठीक है, अंग्रेजी आती है, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और वो अरबी, आपकी इसके अंदर 6 भाषाएं आती हैं, ठीक है। अब बात आती है अस्थायी सदस्य में, अस्थायी सदस्य भारत आपको पता ही है कि 2021 से इसका कार्यकाल 2 साल होता है, अस्थायी सदस्य का 21 से 23 तक 8वीं बार बना है, याद रखना ये चीज, आरपीएससी पूछ सकती है, बहुत बार पूछी है। तो 38 जो है भारत जो है 8वीं बार इसका 2021 से 23 तक सदस्य बना है। एक जनवरी के अंदर इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जनवरी से जनवरी काउंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर अल्बानिया, ब्राजील है, गबेन है, इस टाइप के देश जो हैं अभी इसके अंदर कार्य रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो अभी अपने 10 सदस्य हैं अस्थायी सदस्य वो है अल्बानिया, ब्राजील, गबेन, घाना, भारत, भारत 8वीं बार बना है, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, यूएई। तो ये जो देश है 5 देश कट जाएंगे इसके अंदर, और 5 देश 2023 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 जनवरी से इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। अब इनकी भाषाएं हैं,
अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, चीनी है, स्पेनिश और अरबी है। अरबी को लिया गया था 1973 में। अब अरबी को 1973 में लिया गया, लेकिन हिंदी के लिए और बोला गया है कि हिंदी जो है आपसी बोलचाल की भाषा रखी जाएगी। ये रखी गई है 2018 से, 2018 से हिंदी को आपसी बोलचाल की भाषा रखी गई है। अब अपना तीसरा दो देख लिया अपने, अब तीसरा आता है इसका अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हेंग में है, याद रखना नीदरलैंड हेंग में है, ये बाहर है, ठीक है, नीदरलैंड हेंग के अंदर है, ये उसमें यूएसए में नहीं है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है प्रत्येक का। फिर अब भारत क्या है इसमें, भारत के 4 आदमी आज तक इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जज रह चुके हैं। पहले बी एन राव, बी एन राव कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे, बी एन राव जो थे वो अपने संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरे नगेंद्र सिंह थे, नगेंद्र सिंह, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है क्योंकि नगेंद्र सिंह भी अपने राजस्थान से थे। रघुनंदन स्वरूप पाठक थे, तीसरे थे रघु नंदन स्वरूप पाठक। ये अब चौथा आता है दलवीर भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह जी भंडारी, ये भी अपने राजस्थानी थे। इनका कार्यकाल जो था वो 2012 से, 2012 से और 6/18 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब चौथा जो अंग है इसका, चौथा है न्यास परिषद। न्यास परिषद अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि 1994 में जो पलाऊ था, पलाऊ द्वीप था ना, वो अंतिम न्यास था और ये यूएसए का न्यास था। ये क्वेश्चन आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 1994 में पलाऊ यूएसए का अंतिम न्यास था कि ये अपने कंट्रोल करते थे, जब तक ये आजाद नहीं हुए तब तक पूरी देखरेख ये देश करेंगे। अब बात आती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, पांचवा क्या है, यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का इसके अंदर 54 देश सदस्य हैं, 54 सदस्य हैं और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। क्योंकि आपके ज्यादा टॉपिक है नहीं ना, इसलिए इसको ज्यादा वाइड करने से कोई मतलब नहीं है, कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है। और नंबर छह, नंबर छह के अंदर सचिवालय होगा इसका, नंबर छह में सचिवालय। एक्चुअली सचिवालय का जो सचिव होता है महासचिव, वही पूरी इस पूरी यूएनए का महासचिव होता है, तो इसके अध्यक्ष को क्या कहेंगे, महासचिव, महासचिव कहेंगे, महासचिव इसको कहेंगे। और इसका जो पहला था, पहला जो इसका महासचिव था वो त्रिग्वेली था, त्रिग्वेली, त्रिग्वेली जो थे वो इनके पहले महासचिव था। फिर इसके अंदर क्या हुआ कि अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं वो एंटियो गुतरस हैं, आपको पता ही है, एंटोनियो गुतरस, गुतेरस, एंटोनियो गुतरेस जो है ये इसके क्या है, वर्तमान है, और ये क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, एंटोनियो गुतरेस, ये पुर्तगाल के हैं, अपने जो एंटोनियो गुतरेस जो है ये पुर्तगाल के हैं, अभी एशिया से भी बने थे कोफी अनान। आपको पता है कि दो को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, दो महासचिव जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक तो डेग हेमरसोल्ड को मिल चुका है, डेग हेमरसोल्ड, डेग हेमरसोल्ड का एक्चुअली क्या था कि इनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी तक दो आदमियों को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है, दूसरा आप कमेंट करके बताना। तो एक तो डेग हेमरसोल्ड को मिल गया, एक कोफी अनान को मिल गया, कोफी अनान, ये जिंदे थे, ये यूएन के महासचिव थे जिनको ये आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय और हैं,
चार क्षेत्रीय कार्यालय और हैं, जो सचिवालय जो है ना, यो चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अभी इसके चार जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो, अब चार क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर एक तो आता है आपका बगदाद, बगदाद के अंदर है, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है बैंकॉक, बैंकॉक में है। तीसरा जेनेवा में है, और चौथा बगदाद, बैंकॉक, जेनेवा और सेंटियागो। सेंटियागो चिली की राजधानी है ना, सेंटियागो, सेंटियागो में, है दोस्तों। अब यूएनओ की एजेंसी, जो यूएनओ की एजेंसी है, अंकटोड है। अंकटोड आपको पता है व्यापार और विकास का काम करता है, और ये 30 दिसंबर 1964 में बना था। ये यूपीएससी के अंदर, आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आरपीएससी भी पूछती है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, वो इसका जेनेवा में है। अब आता है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम 22 नवंबर 1965 से शुरू हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का जो कार्यक्रम है, आपको पता है कि यूएन, अमेरिका ने वोट करवाए थे संयुक्त, उसके अंदर मानवाधिकार आयोग के लिए रशिया को अलग करने के लिए, तो भारत ने उसके ऊपर मत नहीं किया। ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्वलंत क्वेश्चन है, ठीक है। यूएन एचसीआर जो है वो 3 दिसंबर 1949 जनेवा में बनी थी, और भारत इसका छठवीं बार सदस्य बना है, छठवीं बार वापस सदस्य बना है 2022 से लेके 24 तक, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आता है यूनिसेफ, यूनिसेफ 1946 के अंदर, और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करता है, ये आपको बताइए। विश्व खाद्य कार्यक्रम, 1963 में बना था, है ना। अब ये जो है पर्यावरण का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, ये 1972 में बना था, ठीक है। रामसर साइट आपने नाम सुना होगा, उसके बाद ये बना था। नेरोबी केन्या जो है ना, इसके अंदर आपका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन आरपीएससी का 74 क्वेश्चन है, शरणार्थियों के लिए क्वेश्चन, और ये पर्यावरण का जो प्रोग्राम जो होते हैं उसका जो क्वेश्चन है, नेरोबी केन्या, इसका हेडक्वार्टर आरपीएससी के बहुत चाहते हुए क्वेश्चन है। अब यूएनएफपीए, ये जनसंख्या कोष होता है, ये 1967 न्यूयॉर्क के अंदर बना था, ठीक है दोस्तों। अपना जो यूएन है उसमें भारत का क्या रोल है, भारत का रोल देखना है अपने को। भारत ने 26 जून 1945 को चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, संस्थापक देश सदस्य था। 51वां आपको पता ही है पोलैंड था। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका 1928 के अंदर भारत सदस्य बन गया था। आरपीएससी का 74 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय, अहिंसा दिवस 15 जून 2007 को डिक्लेयर किया गया था। भारत को पोलियो मुक्त बनाए दिया गया था, ये डेट पूछ लिया जाता है 2014 में, किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त बनाया गया, 2014 में, है ना। सबसे पहले पीएम जो थे, प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इसके अंदर यूएनओ के अंदर महासभा में भाषण दिया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। हिंदी में आपको पता ही, अटल जी दिया था, आजकल मोदी जी दे रहे हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 21 जून आता है उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 के अंदर, 2014 में दो चीजें हो गई, आपका पोलियो मुक्त भी हो गया और आपका अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस भी हो गया और आपका पोलियो मुक्त भी हो गया। अब बोला गया है कि सार्वजनिक संचार की जो भाषाएं हैं, देखो भाषाएं तो 6 हैं, अपन ने देख ली यूएनओ की, लेकिन सार्वजनिक संचार की जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी को दर्जा दिया गया है, और ये मार्च 2018 से दिया गया है, वो पूछा जा सकता है। भारत की तरफ से हस्ताक्षर सबसे पहले टीटी कृष्णमाचारी ने किया था। अब हस्ताक्षर की बात आती है तो दो चीज और देख लेते हैं संविधान पे, संविधान पे हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जेएलएन ने किया था, ठीक है। राजस्थान की तरफ से किसने किया था, राजस्थान की तरफ से मास्टर बलवंत सिंह मेहता जी ने किया था, बलवंत सिंह। संविधान के ऊपर राजस्थान की तरफ से सिग्नेचर करने वाले बलवंत सिंह
मेहता थे। ठीक है, अब सामाजिक व आर्थिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? रामास्वामी मुदालिया, चिन्मय रजनीनाथ, गोरेखान, ये जो थे ये क्या रहे थे? इनके अध्यक्ष रह चुके। अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हंसा मेहता। हंसा मेहता मानवाधिकार कमीशन की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य बनाई गई है। ठीक है, हंसा मेहता को मानवाधिकार कमीशन की ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है उसकी सदस्य बनाई गई है। सुश्री जगजीत पवाड़िया, हंसा मेहता जो थी ना, हंसा मेहता से पहले एक लक्ष्मी मेनन और थी, लक्ष्मी मेनन, लक्ष्मी मेनन भी इसी की सदस्य बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है मानवाधिकार की, उसके सदस्य बनाई गई थी सुश्री जगजीत पवाड़िया। जगजीत पवाड़िया जो है अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, ये कहाँ है? जेनेवा में है। तो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुश्री जगजीत पावड़िया को बनाया गया है 2022-23 के लिए। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। अब बात आती है रुचिका कंबोज की। रुचिका कंबोज के भारत की स्थायी प्रतिनिधि, यूएन के अंदर भारत का एक परमानेंट आदमी होगा और वो कौन होगी? रुचिका कंबोज होगी जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि होगी और ये 1 अगस्त 2022 से है। ठीक है, 1 अगस्त 2022 से। ठीक है दोस्तों, यूएनओ में भारत का पीस कीपिंग मतलब सेना कहाँ कहाँ भेजी और किस युद्ध में भेजी? अपन ने शुरुआत जो की थी वो पीस कीपिंग अभियान था, 50 आदमी भेजे थे, सबसे पहले 50 व्यक्ति भेजे थे और वो कहाँ भेजे थे? दक्षिण कोरिया युद्ध 1953 में भेजे थे, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विवाद चला था उसमें अपन ने भेजे थे। पांचवा बड़ा देश है यूएन के अंदर जो अपनी सेना भेजता है। ठीक है, 50 से ज्यादा अभियान भारत प्रेजेंट रह चुका है, 50 से ज्यादा अभियानों में भारत ने भाग ले चुका है। 2007 जो है उसके अंदर महिला शांति सेना और भेजी गई, अपनी छत्राणी सेना जो है वो और भेजी गई, महिला शांति सेना और भेजी गई और वो लाइबेरिया में भेजी गई थी। लाइबेरिया के अंदर ये 2007 से 16 तक रही थी, लाइबेरिया में 2007 से लेके 16 तक रही थी। अब बात आती है दक्षिण सूडान। अभी लेटेस्ट बात आई है ये कि मोहन सुब्रमण्य जो है उसको दक्षिण सूडान के अंदर कमांडर बनाया गया है। तो कमांडर किसको बनाया गया है? मोहन सुब्रमण्य को। ठीक है दोस्त, अपना सेकंड ग्रेड का अगला इसी का टॉपिक है कि वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक पूरे विश्व को जोड़ना है, एक गांव बनाना है, एक जगह इकट्ठा करना है, तो विश्व का एकीकरण करना, विश्व का एकीकरण करना, एक गांव बनाना, एक गांव, इसका नाम दिया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण का नाम 1992 में दिया था और ग्लोबल विलेज जो है वो प्रोफेसर मार्शल मेक लुहान ने, ग्लोबल विलेज नाम किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल मेक लुहान ने नाम दिया था। ये क्या है? वैश्वीकरण की परिभाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है कि ये बहुआयामी और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आयाम होते हैं, आर्थिक आयाम होता है, राजनीतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, सामाजिक आयाम होता है। आर्थिक के अंदर पैसों से लोग जुड़ते हैं, सांस्कृतिक के अंदर भाषा वेशभूषा खान पान से जुड़ते हैं, राजनीतिक के अंदर एक देश की राजनीति दूसरे देश के अंदर सीखते हैं, जैसे अपनी डेमोक्रेसी से आज भूटान है या कोई बड़े बड़े देश हैं वो सीख रहे हैं। फिर इसके अलावा ये चीजें जो आती हैं आपकी आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और वैचारिक, विचारों का भी किताबें पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, आपस में खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो वो उनके भी विचार होते हैं और दोस्त बन जाते हैं। तो ये क्या है? एक वैश्वीकरण है। भारत में वैश्वीकरण क्यों आया? भारत में क्या हुआ था 1973 की खाड़ी युद्ध हो गए थे, मंदी हो गई थी, तेल आया नहीं था, तेल नहीं आया तो पैसे खर्च हो गए। तो उस टाइम पे 80 और 90 के बीच में मात्र 15 दिन के पास अपने पास एसडीआर बचा था, 15 दिन का जो फॉरेक्स रिजर्व जो था अपना, है ना, वो 15 दिन का भंडार बचा था कि भारत के अंदर इतने पैसे थे कि हम केवल 15 दिन भारतीयों का खर्चा चला सकते थे, उसके आगे नहीं चला सकते थे। तो हम लोग क्या किया, पैसे लेने के लिए गए, भाई पैसे नहीं थे, पैसे लेने के लिए गए, किसके पास गए? वर्ल्ड बैंक के पास गए, आईएमएफ के पास गए। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप एलपीजी जो सुधार है उसको लागू करना पड़ेगा, हम पैसे दे देंगे। तो उस टाइम पे अपने को $7 बिलियन दिए थे, $7 बिलियन अपने को उस टाइम पे इन्होंने दिया था। अब इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव क्या होता है कि इसमें क्षेत्रीय संगठन बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय संगठन की बात आती है तो जैसे आसियान होता है, सारक है, सारक आसियान, यूरोपीय यूनियन है,
जो भी है छोटे छोटे देश, जो बड़े देश हैं, G20 है, G7 है, G8 है, ये सारे क्या हैं? संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, आपस में बढ़ के एक ग्लोबल विलेज का रूप धारण कर लेंगे और उसी को वैश्वीकरण बोला जाएगा। अब इसका विरोध, क्योंकि भारत के अंदर तो GST चलता है, तो वो पार्टी विरोध कर देती है, अगले टाइम पे वही पार्टी आके उसको पास कर देती है, तो विरोध होना स्वाभाविक सी बात है। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम वालों ने इसका विरोध किया था, इनका काम ही विरोध करने वाला होता है। दूसरा, इंडियन सोशल फोरम वालों ने भी इसको विरोध किया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वैश्वीकरण हो गया। अब इसके अंदर कुछ जो आर्थिक संगठन बने थे, आर्थिक संगठन के अंदर आता है एक तो आपका, फिर क्या हुआ 1944 के अंदर ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर तीन संस्थाओं ने जन्म लिया था। एक्चुअली जो तीन संस्थाएं थी, उन तीनों संस्थाओं को यूएन की बहन भी बोला जाता है, जुड़वा बहनें, आपस में जुड़वा बहनें भी बोला जाता है, यूएन के रिश्तेदार भी हैं ये। और ब्रेटन वुड सम्मेलन में तीन संस्थाओं ने जन्म लिया था, IMF, इंडियन मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो आपका 1945 में बना था, ये 1945 में बना था, ठीक है, 1945 के अंदर बना था, और ये वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का एक जिला है ये वाशिंगटन DC, उसकी राजधानी न कि एक राज्य है, ओके। वाशिंगटन DC के अंदर बना था। अब इसके अंदर 188 देश सदस्य हैं, 88 देश सदस्य हैं, और ये क्या करता है कि अल्पकालीन ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देता है। दूसरी बात यह है कि अल्पकालीन ऋण तो देगा ही देगा, उसके बाद ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पैसे छापने की परमिशन वगैरह भी अपने को यहीं से मिलती है। अब सबसे आरपीएससी की एक चाहती बात आती है इसमें, आरपीएससी की चाहती बात आती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट जारी करती है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसकी है, तो ये IMF की है। अब दूसरी जो इसकी संस्था थी वो था आपका वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो था ये 45 में हुआ, वो 46 में पैदा हो गया। अब क्या हुआ कि इसके जो हेडक्वार्टर है वो ही वाशिंगटन DC के अंदर हेडक्वार्टर है, ये अल्पकालीन के ऋण देता है, ये दीर्घकालीन के लिए देता है, ये दीर्घकालीन ऋण देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता है, और ये अपनी मजबूरियां निकालने के लिए देता है, ठीक है। तो ये इसकी पांच संस्थाएं हैं, वो इतना लंबा चौड़ा है नहीं, बाकी आरपीएससी यहां से चाहती है क्वेश्चन पूछना। एक आपका जो गेट बना था, जनरल ट्रेड एंड टेरिफ अग्रीमेंट जो बना था, तो वो आगे जाके क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 से, वो आगे जाके गेट जो था वो 1 जनवरी 1995 से आपका WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब ये विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। ये क्या करता है, व्यापार को बढ़ावा देता है और उसके ऊपर पाबंदियां वगैरह जो भी लगाता है। इसी के साथ दोस्तों अपनी क्लास खत्म होती है, और इसके अंदर पूरा टॉपिक कवर किया गया है, किसी को आप नोट्स बना लो या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके 5 बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा।